पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा है। मध्य प्रदेश में भी लोग जश्न में डूबे हुए हैं। मंत्री कृष्णा गौर के घर भी लगातार उनके समर्थक उनको होली की शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। मंत्री खुद लोगों को रंगोला लगाकर बधाई दे रही हैं। इस दौरान अनादर टीवी से खास बातचीत में भी उन्होंने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मंत्री रंगों में रंगी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त कृष्णा गौर जी मौजूद है। सबसे पहले मैम तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक तरफ शिवराज जी होली बना रहे, दूसरी तरफ चुनावी रंग भी चल रहा है। आप लोग भी चुनाव में रंगे हुए हो, ऊपर से होली। भारत रंगों का देश है। हर कदम कदम पर आपको भारत में विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था में, हमारी संस्कृति में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। हमारे पर्व और त्योहारों में होली का ये पर्व अपने आप में संदेश देने वाला पर्व है। जहां होलिका का दहन करके हम अहंकार को भस्म करते हैं, तो वहीं एक दूसरे पर रंग लगाकर सारे राग द्वेष छल कपट शत्रुता को समाप्त करके दुश्मन को भी गले लगाते हैं। ये पूरे विश्व की एकमात्र भारतीय सनातन संस्कृति की है जो ये संदेश देती है, और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति विश्व की सबसे महान संस्कृति है। 4 जून को इससे बड़ी होली होगी? निश्चित रूप से 4 जून को हम इससे भी बहुत बड़ी होली खेलेंगे, जब हम देश में तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। होली है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज होली के त्योहार को यहाँ पर कृष्णा गौर मना रही है। उनका साफ तौर पर कहना है 4 जून वो दिन है जिस दिन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और फिर से जो है होली मनाएंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल।